Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 3, safety and first aid. Safety means bachav or being safe. First aid means prathamik chikitsa. Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. तो स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटनाएं हमारे साथ किसी भी टाइम और कहीं पर भी हो सकती हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी दिए. चिल्ड्रन ऑफन गेट हर्ट एट होम, इन स्कूल, इन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड. जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स, उनको चोट लग जाती है जब वो कहाँ पर होते हैं, अपने घर पर होते हैं, एट होम, इन स्कूल, स्कूल के अंदर होते हैं, इन द प्ले ग्राउंड, मैदान के अंदर होते हैं, और ऑन द रोड, या जब वो सड़क पर होते हैं. मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑकर ड्यू टू अवर केयरलेसनेस. स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो हमारी दुर्घटनाएं हमारे साथ होती हैं वो किस वजह से होती हैं, हमारी खुद की असावधानी की वजह से होती हैं. केयरलेसनेस को हिंदी में बोलते हैं असावधानी. इन क्लास 3rd and 4th वी हैव लर्न्ड सम सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम. क्लास 3rd और 4th में स्टूडेंट्स हमने याद किए थे कुछ सुरक्षा नियम, यानी कि सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो ऑल द टाइम, और जिनको हमें क्या करना चाहिए, हर समय फॉलो करते रहना चाहिए. डू यू रिमेंबर देम, क्या आप उन्हें, क्या आपको वो याद हैं? द क्वेश्चन अराइजेस हेयर. लेट अस रिकॉल सम ऑफ दोज रूल्स. तो स्टूडेंट्स, अब हम इन सभी नियमों को एक बार क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, याद करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पर अब रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रॉस का साइन है, कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है. अगर आप इसके अंदर, इस काम, कोई भी काम है उसमें करते हुए अगर आप क्या करेंगे, असावधानी करेंगे, तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है. तो इसीलिए हमें ये काम नहीं करने चाहिए जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में. Do not use blade to sharpen pencil. हमें ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पेंसिल को नुकीला बनाने में. दूसरा रूल है स्टूडेंट्स, Do not keep sharp edged things in your bag or pencil box. जो नुकीली चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, वो हमें अपने बस्ते के अंदर या फिर अपने पेंसिल बॉक्स के अंदर उनको नहीं रखना चाहिए. तीसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, डू नॉट थ्रो बुक्स और डस्टर्स एट वन अनदर. हमें क्लासरूम के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर बुक्स और डस्टर नहीं फेंकने चाहिए. तो ये जो सेफ्टी रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो सेफ्टी रूल्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए. डू नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स. जैसे कि शेल्व्स होती हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम बुक्स रखते हैं या फिर कोई और चीज़ भी उसके अंदर रखी हुई हो सकती है, तो हमें उन शेल्व्स के ऊपर
नहीं कूदना चाहिए। अगला रूल है स्टूडेंट्स डू नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, हमें स्टेयर्स पे भागना नहीं चाहिए, सीढ़ियों पे हमें संभल कर चलना चाहिए। डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पे फर्श पे खिलौने नहीं छोड़ने चाहिए। डू नॉट जंप ऑन बेंचेस, जैसे कि स्टूडेंट्स हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमें बेंचेस के ऊपर नहीं कूदना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन इवन इन फन, हमें एक दूसरे को ऐसे ही मौज मस्ती में धक्का नहीं देना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, हमें जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे टिक लगा हुआ है राइट का, कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए जब आप रोड पर होते हैं। अगर आप रोड क्रॉस करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड, हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ही सहारा लेना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि रोड होती है, रोड के दूसरी साइड में क्या बने हुए होते हैं, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बना हुआ होता है, हमें उसी के ऊपर चलना चाहिए हमेशा। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस, स्टूडेंट्स हमें चलती हुई बस में से ना तो हमें उतरना चाहिए ना हमें चढ़ना चाहिए। बस एक बार रुक जाए तभी हमें उसके अंदर चढ़ना चाहिए या हमें उससे उतरना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके साथ क्या हो जाएंगी, दुर्घटनाएं हो जाएंगी, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस, जैसे स्टूडेंट्स बस चल रही होती है तो हमें कोई भी अपना जो बॉडी पार्ट है जैसे कि हमारे हैंड्स हो गए या हमारा माउथ हो गया, हमें बस का जो शीशा होता है उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, हमें बस ड्राइवर से बातें नहीं करनी चाहिए। जब बस ड्राइवर कोई भी बस ड्राइव कर रहा होता है तो हमें उससे बातें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स, हमें स्टूडेंट्स रफ गेम्स नहीं खेलने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड, कि सड़क के ऊपर हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, उस चीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सेफ्टी ऑन द रोड्स हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन इवन बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो स्टूडेंट्स सड़क पर सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है पहले से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वाहन हैं वो रोड्स के ऊपर अब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए जो सड़क के ऊपर अपनी जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम सड़क के ऊपर लापरवाही करेंगे या असावधानी बरतेंगे
तो उससे हमारा गंभीर हमारे साथ गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती है। वी ऑल शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हम सभी को जो सुरक्षा नियम हैं सड़क के ऊपर, उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। द साइंस ऑन द रोड आर कॉल्ड ट्रैफिक साइंस। और स्टूडेंट्स, जो सड़क के ऊपर जो भी साइंस आपको दिखाई देते हैं उनको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक साइंस। ओके, वी शुड लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक साइंस। तो स्टूडेंट्स, हमें याद करने चाहिए ट्रैफिक साइंस और उनको फॉलो भी करना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक साइंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ट्रैफिक साइंस के बारे में मैं आपसे अब डिस्कशन करूँगा क्लास में। तो देखिए, ये जो आपका पहला वाला साइन है, ये है वन वे साइन। दूसरा है नो यू टर्न। तीसरा है नो हॉर्न। चौथा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। पांचवा है नो पार्किंग। छठा है नो एंट्री। सातवां है नो पेडेस्ट्रियन। आठवां है नो लेफ्ट टर्न। नौवां है नो राइट टर्न। और दसवां है स्पीड ब्रेकर्स। ओके, तो ये सभी जो ट्रैफिक साइंस हैं स्टूडेंट्स, इनको हमें याद रखना चाहिए और इनको फॉलो भी करना चाहिए। अब अगला टॉपिक स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, सेफ्टी फ्रॉम फायर, कि हमें अपनी जो सुरक्षा है वो आग से कैसे करनी चाहिए। फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट एंड कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो आग होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत तेज़ी से फैलती है एंड कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स, ये हमारी जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म कर देती है और जो हमारी संपत्ति है उस पर भी अपना प्रभाव डालती है। प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हिंदी में संपत्ति बोला जाता है। टू कीप अवर सेल्व्स सेफ वी शुड नो अबाउट द कॉजेज एंड वेज टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स, हमें अपने आप को क्या रखना है, सेफ रखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके क्या कारण होंगे, आग लगने से क्या कारण होंगे, और एंड वेज टू प्रिवेंट फायर एक्सीडेंट्स, और हम किस तरीके से जो आग से होने वाले जो भी आग से होने वाली जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उनको कैसे हम उन पर कैसे हम रोकथाम लगा सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आगे वाली वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। कॉजेज का जो मतलब है स्टूडेंट्स, वो है कारण। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉज होता है इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स। जैसे स्टूडेंट्स, कभी स्टूडेंट्स, पहला कारण जो है फायर एक्सीडेंट्स का, वो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। जितने भी फॉल्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, उनकी वजह से हमारे फायर एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा, अनसेफ यूज़ ऑफ थिंग्स लाइक मैचस्टिक्स, पेट्रोमैक्स, कैंडल्स, कैरोसिन ऑयल एंड फायर क्रैकर्स। अनसेफ यूज़ कि स्टूडेंट्स, अगर हम बिना सुरक्षा के इनका इस्तेमाल करते हैं, इन सभी चीज़ों का, जैसे कि मैचस्टिक्स यानी कि माचिस, पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स स्टूडेंट्स,
इस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पेट्रोमैक्स होता है ब्रांड नेम फॉर द टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड पैराफिन लैम्प। ओके, तो लैम्प के अंदर ये कुछ ऑयल होता है, वो डाला जाता है, तभी वो लैम्प जलता है। तो इन सभी चीज़ों का, जो भी अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे, इन सब का गलत इस्तेमाल फायर एक्सीडेंट करवा सकता है। तीसरी हैं कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियाँ, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल, एंड फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो हैं क्या करवाती हैं, फायर एक्सीडेंट्स कराती हैं अगर आप इनका अनसेफ यूज़ करेंगे। अगर आप इनको सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब आपका एक्सीडेंट होगा। थर्ड है गैस लीकेज इन किचन वाइल कुकिंग। जैसे रसोई के अंदर, गैस सिलेंडर होते हैं, तो गैस सिलेंडर्स बेसिकली स्टूडेंट्स कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इन गैस सिलेंडर्स से क्या, सो स्टूडेंट्स आई एम अगेन रिपीटिंग थर्ड पॉइंट, गैस लीकेज इन किचन वाइल कुकिंग। जब हम खाना पकाते हैं कहाँ पर, रसोई में, तो वहाँ पर क्या होते हैं, गैस सिलेंडर्स का हम इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए। तो गैस सिलेंडर्स के अंदर गैस लीकेज या गैस निकलने का जो है ख़तरा बनता है, तो उससे भी हमारे क्या हो जाते हैं, फायर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रिवेंशन, कि अब हम इन आग से होने वाली दुर्घटनाओं को कैसे रोकें। तो प्रिवेंशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स रोकथाम। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड केयरफुली हैंडल मैच स्टिक्स, कैंडल्स, गैस स्टोव एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स हमें बहुत केयरफुली क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए मैच स्टिक्स यानी कि माचिस, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती, गैस स्टोव यानी कि जिस पर हम खाना पकाते हैं उसको बोला जाता है गैस स्टोव। तो ये सभी क्या हैं, आग से चलने वाले अप्लाइंसेस हैं, तो हमें इनको बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, वी शुड अवॉइड वियरिंग नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स। हमको नायलॉन और सिंथेटिक, नायलॉन के कपड़े और सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या फिर इनसे, इन्हें पहनने से बचना चाहिए। यदि, क्योंकि नायलॉन और सिंथेटिक क्लोथ्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी आग को पकड़ते हैं और हमारे साथ क्या हो सकता है, फायर एक्सीडेंट हो सकता है हमारा कभी भी। तो सिंथेटिक को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है कृत्रिम, यानी कि एन आर्टिफिशियल सब्सटेंस, बिकॉज दे इजीली कैच फायर। क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत आसानी से आग को पकड़ते हैं। वी शुड नॉट वियर क्लोथ्स, हमें कपड़े नहीं पहनने चाहिए, दैट आर टू लूज, जो ज़्यादा कैसे हों, ढीले कपड़े होते हैं, उन्हें नहीं पहनना चाहिए। वाइल वर्किंग इन द किचन, जब हम रसोई के अंदर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमें ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है स्टूडेंट्स, उसको हमें लगातार चेक करते रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, व्हेन देयर इज़ अ गैस लीकेज वी शुड नॉट यूज़ लाइटर। जब भी कभी गैस लीकेज होती है स्टूडेंट्स आपके किचन में, तो आपको लाइटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या मैचस्टिक यानी माचिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच, और आपको कोई जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है उसको खोलना नहीं चाहिए।
We should open all the doors and windows of the house. हमें घर के सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल देने चाहिए. At the time of gas leakage. At once to let the gas out. ताकि जो वो जो गैस लीकेज हुआ है उससे जो गैस उत्पन्न हुई है वो गैस बाहर जा सके. Fifth point. Small children should not light firecrackers themselves. जो छोटे बच्चे होते हैं students, उनको कभी भी पटाखे खुद से जलाने के लिए नहीं देने चाहिए. It may be dangerous. ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है. Even adults. यहाँ तक कि students जो adults होते हैं उनको भी बहुत सावधानी के साथ पटाखे जलाने चाहिए. तो इस तरीके से अगर आप इन सभी पांचों पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप क्या करेंगे, फायर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकेंगे.